सो हाय अरुण, आज के हमारा जो टॉपिक है वो हाउ टू डीएक्टिवेट फेसबुक अकाउंट। तो हम फेसबुक अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको यूज़फुल वीडियो लगे तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट को, यानी कि फेसबुक जो है वो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है फर्स्ट, तो हम यहाँ पर से बैक आ जाते हैं क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूँ। ठीक है फर्स्ट, ये मेरा फेसबुक आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थ्री लेंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है फर्स्ट, थ्री लेंस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड, थ्री लेंस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी पेज वगैरह हैं वो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, तो आपने फर्स्ट आपने क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है फर्स्ट, सेटिंग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द सेटिंग की ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है फर्स्ट, सो फ्रेंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत से यानी कि सिंपल से शो हो जाते हैं, जैसे कि न्यूज़ है और नोटिफिकेशन है और भी बहुत हैं। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मोबाइल एड्रेस और फेसबुक टैम पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर टैम पे टैम आप फेसबुक देखना चाहते हैं, अगर कोई भी टैम टैम जब आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि टैम जैसे ही टैम लास्ट होता है तो आपका फेसबुक बैक आ जाता है, आप फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते। वो टैम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। मैं आपको इसलिए अलहदा वीडियो बनाऊँगा, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना है वो कैसे यहाँ पर से एक्टिव कर सकते हैं हम इसको। ठीक है फर्स्ट, तो ये भी आपने कमेंट बॉक्स में कर देना है कि आप फेसबुक अकाउंट को क्यों डीएक्टिवेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फर्स्ट, तो लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेस मिल जाता है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है। तो फ्रेंड बैक आ जाने के बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का, तो आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ तो आप सी मोर अकाउंट पर क्लिक करें। ठीक है फर्स्ट, तो सी मोर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लें, अगर आप कोई भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। दूसरे पर आता है सेटिंग यानी कि प्राइवेसी, तो हमारा जो ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, उसके बाद लॉगिन विद अकाउंट। ठीक है फर्स्ट, यहाँ पर से लॉगिन अकाउंट को भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अदर यानी कि कोई भी अकाउंट को यहाँ पर से लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी पार्ट पर आता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो आप यहाँ पर से पासवर्ड सिक्योरिटी पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना। जो हमारा बात शुरू होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और भी इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं जैसे कि एड प्राइवेसी है, पेमेंट मेथड्स है और मेटा वेरिफिकेशन है, अकाउंट है, रिकवरी अकाउंट। ठीक है फर्स्ट, तो हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से शुरू होता है, तो पर्सनल अकाउंट पर। ठीक है फ्रेंड, आपने क्लिक कर देना है पर्सनल अकाउंट पर। तो जैसे मैं पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, तो आपने यहां पर से पर्सनल इन्फो शो हो जाता है कि आपने क्या क्या यहां पर से किस चीज़ पर बनाया है, ईमेल नंबर वो आपको शो हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, फेसबुक इन्फो दिया जाता है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है अकाउंट यानी कि शॉप डिलीट एंड पर क्लिक कर देना है। ठीक है फिर यहाँ पर आपको और नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दो रीजन्स शो होते हैं, तो आप क्यों डिलीट कर रहे हैं और क्या मसला है, तो आपको यहाँ पर से मिल जाता है यानी कि क्यों आप डिलीट कर रहे हैं अपना फेसबुक अकाउंट, यानी कि क्यों डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो दूसरी बात पर आता है कि अब वो डेट ऑफ बर्थ यानी कि वो मर चुका है तो हम इसलिए डिलीट कर रहे हैं। दूसरी बात पर आता है कि हम अब वैसे ही अपना अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आ जाएगी और फेसबुक अकाउंट भी आ जाएगी, तो यहाँ पर से अपना फेसबुक कोई भी आईडी चूज़ कर लें। मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने काम स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, तो नीचे वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पर से आपने ऊपर सेक्शन पर क्लिक कर देना है डीएक्टिवेट अकाउंट पर। ठीक है फर्स्ट, तो उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है। तो जैसे कन्फर्म करेंगे तो आपने फिर से कन्फर्म कर देना है। तो फ्रेंड कन्फर्म करने के बाद आपने यहां पर से डीएक्टिव करने के लिए अपना जो पासवर्ड है वो फेसबुक पे यानी कि अपना अकाउंट का, तो वो आप यहाँ से इंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डीएक्टिवेटली ईजिली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है, तो उसके बाद आपका जो काम है वो ईजिली हो जाता है, वो ओके हो जाता है। ठीक है फर्स्ट, तो आपका जो अकाउंट है वो इजीली डिलीट हो जाता है। तो मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।